चंबल नदी का जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है। पेयजल परीक्षण अधिनियम के लागू होने के बावजूद भी अनदेखी के कारण चंबल नदी से पानी चोरी बदस्तूर जारी है। यही वजह है कि गत वर्ष की तुलना में इस साल चंबल नदी में 75 MCFT पानी कम हो गया है। चंबल नदी से प्रतिदिन 6 MCFT से अधिक पानी चोरी हो रहा है। यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो साल के आने वाले दिन शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 1000 MCFT पानी को सहेजने के लिए चंबल नदी पर बनाए गए 4 डैमों में से एक डैम अमलाउदा बीका पूरी तरह से खाली हो चुका है। शनिवार शाम मिले आंकड़ों के अनुसार चंबल नदी में 1000 में से महज 597 MCFT पानी ही शेष बचा हुआ है, जबकि वर्ष 2017 में आज ही के दिन चंबल नदी में 672 MCFT पानी का आकलन किया गया था। इधर अमलावदा बीका डैम के पूरी तरह खाली होने के बाद अब पिपलोदा बागला डैम में बचे हुए पानी का उपयोग सबसे अधिक किया जा रहा है। यहां चंबल व चामला दोनों नदी के किनारों पर पाइपों का जाल बिछाकर बड़ी संख्या में चंबल का पानी उलचने का काम किया जा रहा है। इसके बाद नागदा में बने डैम नंबर 2 व डैम नंबर 1 के सहारे ही पूरा सीजन निकालना है। यदि समय रहते चंबल से पानी चोरी को नहीं रोका गया तो फरवरी माह के बाद यहां हालात खराब हो सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन इसके बावजूद कलेक्टर के आदेश को जारी हुए 2 माह से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी प्रशासन ने एक भी कार्रवाई चंबल नदी के किनारे कर पानी चोरी को रोकने का प्रयास नहीं किया।